नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार निगम उषा मेटल से रिसाइकलिंग बिजनेस कंसल्टेंट हूं और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, मैं इस बिजनेस को खुद 15 साल से कर रहा हूं, जिसमें ट्रेडिंग करता हूं इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों। और दोस्तों, इसमें कोई अगर मेरा दोस्त बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है या मेरी कोई हेल्प लेना चाहता है, जैसे कि डोमेस्टिक में स्टार्ट करना हो बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो मेटल स्क्रैप में सिर्फ, तो उसमें मैं उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप पूरी हेल्प करता हूँ। इसमें हमारा जो कंसल्टेंसी रहता है वो 10% थ्योरेटिकल होता है और 90% प्रैक्टिकल होता है। हम ये कोशिश करते हैं जल्द से जल्द सामने वाले को सेल एंड परचेस करवाएं, क्योंकि हम बातों में कम और काम पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो भी मेरा दोस्त बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है और कंसल्टेंसी लेना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल मेरी दे रखी है, कंपनी प्रोफाइल है, प्लस व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप कीजिए, फ्री होते ही आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एल्युमिनियम। आज मैं आपको एल्युमिनियम मेटल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो इसलिए क्योंकि कोई भी बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एल्युमिनियम रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो आपको एल्युमिनियम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ से आता है और कैसे बिकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम एक्चुअल में है क्या, उसका यूज़ क्या है और कैसे बनता है और मार्केट में कैसे आता है माल। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो बने रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊँगा एल्युमिनियम है क्या। दोस्तों, एल्युमिनियम एक मेटल है जो कि लाइट वेटेड सिल्वर वाइट मेटल की तरह दिखता है। दोस्तों, एल्युमिनियम की डेंसिटी बहुत कम होती है आयरन के अकॉर्डिंग, और बाकी मेटल्स के अकॉर्डिंग भी एल्युमिनियम की डेंसिटी बहुत कम होती है। और दोस्तों, ये तीसरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है अर्थ पर, बहुत कॉमन है ये। एल्युमिनियम बनता कैसे है? सबसे पहली बात दोस्तों, ये एल्युमिनियम नेचुरल फॉर्म में आपको नेचर में नहीं एग्जिस्ट, इसका प्योर फॉर्म नेचर में होता ही नहीं है, इसको बनाया जाता है। एल्युमिनियम को बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें 40% एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और 60% सिलिका और आयरन ऑक्साइड के साथ मिलकर इसको बनाया जाता है। इसका कॉम्बिनेशन होता है ये पूरा। जैसे कि दोस्तों, 5 टन अगर ऑक्साइड और लोगे, इससे सिर्फ 2 टन एल्युमिनियम ही बनता है, जो कि प्राइमरी स्टेज है एल्युमिनियम का। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एल्युमिनियम एक बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। एल्युमिनियम इतना ईजी किसी भी शेप और साइज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको बहुत डक्टाइल मेटल भी कहते हैं। ये किसी भी शेप में इजीली डाइज के थ्रू मोल्ड्स हो जाता है, इसलिए एल्युमिनियम को बहुत इजीली किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में भी यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिमाग में लोगों को आता है, क्या एल्युमिनियम स्ट्रॉन्गर है आयरन से? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, स्टील हार्ड ज़रूर होता है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ अलॉय एल्युमिनियम के ऐसे होते हैं जो स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम किस कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं? तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम होता है चाइना में प्रोड्यूस, 37 मिलियन मेट्रिक टन 2020 में हुआ था ये। सेकंड आया था इंडिया हमारा, जिसमें 3.6 मिलियन 2020 में प्रोडक्शन हुआ था। किस थर्ड आता है रशिया, जिसने 3 मिलियन टन प्रोड्यूस किया था 2020 में। ये 2020 के आंकड़े हैं। अब एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करा जाता है कई चीज़ों में? उसका बड़ा कारण यह है कि ये क्रोजन रेजिस्टेंस है, और प्लस आयरन से थोड़ा महंगा है और कॉपर से थोड़ा सस्ता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम पे किसी प्रकार का भी पेंट या कोटिंग इस्तेमाल नहीं की जाती है, जैसे कि आयरन में किया जाता है उसको जंग से बचाने के लिए। इसलिए एल्युमिनियम एक बहुत ही अच्छा क्रोजन रेजिस्टेंस है। जहाँ पर ऐसी जगह होती है, जहाँ पर ऐसे समुद्र का इलाका हो गया, मरीन सेक्टर होते हैं, वहाँ पर आयरन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जंग लग जाता है आयरन पे ऊपर, कोट रस्टेड होती है, रस्टेड नेचर का होता है आयरन। उस जगह पे एल्युमिनियम का यूज़ बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। आप कोई शिप बना रहे हैं जिसपे 1000 टन आयरन लग रहा है, लेकिन उसी का आधा 500 टन में आपका एक एल्युमिनियम का शिप बन के रेडी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि डेंसिटी के मामले में एल्युमिनियम बहुत ही अच्छा है और कम लगता है आयरन के मुकाबले। और अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, एल्युमिनियम का यूज़ क्या है। एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, जैसे हाई स्क्रेपर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं जो आप आजकल देखते हैं कि 100-100 मंजिल बन रही हैं, 50 मंजिल बन रही हैं, वहाँ एल्युमिनियम का बहुत ही ज़्यादा हाई स्क्रेपर जो बिल्डिंग्स होती हैं, जिसको गगन चुम्बी भी कहते हैं,
वहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन साइड में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, प्लस रेलवे में इस्तेमाल होता है, रोड्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, एयरपोर्ट्स पे होता है। आजकल तो एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ भी आपको मिल जाएंगी, पहले जहाँ पे स्टील की सीढ़ियाँ लगती थी अब एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ लगती है। तो एल्युमिनियम का डिमांड डे टू डे बढ़ता जा रहा है। एल्युमिनियम की ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी है इसीलिए सब चीज़ों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एनर्जी सेक्टर में इसका इस्तेमाल है, जैसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन में इसका यूज़ होता है, नेचुरल गैस पाइपलाइंस होती है उसमें एल्युमिनियम की होती हैं, विंड पावर इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम का। इसका मेन कारण एल्युमिनियम का इस्तेमाल होने का रहता है क्योंकि इसकी लो डेंसिटी का मटेरियल है ये, और इसकी डेंसिटी लो है और हाईली थर्मल कंडक्टिविटी है। इसलिए दोस्तों एल्युमिनियम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइंस में होता है, जो आप देखते हैं बड़े बड़े खंभों पे जो मूस जेब्रा पैंथर लटके होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने के लिए, वहाँ उन ट्रांसमिशन लाइंस में भी एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये सिर्फ एल्युमिनियम का एक छोटा सा इंट्रो है जो मैंने बनाया है। ऐसे ही मैं अभी आने वाले टाइम में एल्युमिनियम के कम से कम 10 से 20 वीडियो बनाने वाला हूँ। एल्युमिनियम के इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सारी वीडियोस आप देख के आप खुद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिली होगी। और दोस्तों कोई भी मेरा दोस्त अगर मेटल स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो आप व्हाट्सएप कीजिए। आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको अपना कैटलॉग भेज दूंगा, उसमें से आप मेरी सर्विस जो भी आपको चाहिए चूज़ करके आप मुझे बता देना, मैं आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ और लास्ट बता दूं कि जो भी मेरी सर्विस होती है सारी पेड होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी कोई भी सर्विस नहीं है, सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही मैं जो वीडियो डालता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको देखिए। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करके बोल दीजिए, मैं उस पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं पर्सनली जो टाइम देता हूँ वो मेरा पेड सर्विस होता है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। फ्री आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच कीजिए। और दोस्तों मैं कोई भी झूठे वादे नहीं करता हूँ कि आपको ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा, जो भी होगा नेचुरली आपको भी समझ में आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए, जो भी बताइए वीडियो आपकी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।